महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। इसी मांग को लेकर कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बजरंग दल के प्राचीन शिव मंदिर के गेट के सामने महाआरती का आयोजन किया गया था। सभी धार्मिक स्थल जल्द से जल्द खुला करें, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा ताला तोड़ो आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऐसा इशारा बजरंग दल के नेता संदीप भगत और पराग गुबर रामदासी ने ठाकरे सरकार को इस वक्त दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई उपाय योजनाएं अमल में लाई है, जिसमें सरकार के आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लोकल सेवा, होटलों, दारू की दुकानें, बियर बार, रेस्टोरेंट और व्यापारियों की दुकानें खुली रखने की अनुमति दी है, लेकिन धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी है। जल्द से जल्द सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर कल ठाकरे सरकार के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अम्बरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर गेट के सामने महाआरती का आयोजन किया था। ठाकरे सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को जल्द से जल्द खोलने की अनुमति दे, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ताला तोड़ो आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऐसा इशारा बजरंग दल के नेता संदीप भगत और पराग बुबा रामदासी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया है। संवाददाता रविंद्र हांडे, VSRS न्यूज, उल्लासनगर, महाराष्ट्र।